चाल बताऊं, इससे पहले चाल में काम आने वाले हिस्से बीजे के नाम बताना अति जरूरी समझता हूं, ताकि आपको चाल समझने में आसानी हो। चाल के हिस्से बीजे को देखने के लिए क्लास हथियार के नजदीक आसान ले। ट्रिगर, डिस्कनेक्टर, डिस्कनेक्टर का निचला वाला प्रोजेक्शन, सियर, सियर का निचला वाला प्रोजेक्शन, बोल्ट इंटरप्टर। डिस्कनेक्टर ब्लॉकेज, हॉल नुमा पिक्चर, फायर सिलेक्टिव लीवर, इसका तीन पोजिशन, सेफ, सेमी ऑटो, ऑटो। चाल में काम आने वाले हिस्से पूछे मैं, किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं, सवाल नहीं तो चाल। जब फायर सिलेक्टिव लीवर एस पर हो तो पक ट्रिगर प्रेस क्यों नहीं? जब फायर सिलेक्टिव लीवर, अच्छा और भूल गया, फायर सिलेक्टिव लीवर का गोल वाला भाग और कटा हुआ भाग इसका अंदर में है, वहीं से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यहाँ जैसा आएगा ना, और पॉइंट करो तेरे से, ये बोलो नाम बोलो। फायर सिलेक्टिव लीवर का गोल वाला भाग और कटा हुआ भाग इसका अंदर में है, दिखाई नहीं दे रहा है। चाल, जब फायर सिलेक्टिव लीवर एस पर हो तो ट्रिगर प्रेस क्यों नहीं? जब फायर सिलेक्टिव लीवर को एस पर होता है तो फायर सिलेक्टिव लीवर का कटा हुआ भाग बोल्ट इंटरप्टर को अपना नॉर्मल अलर्ट से ऊपर की ओर लाता है, जिससे बोल्ट कैरियर, जिससे डिस्कनेक्टर का निचला वाला प्रोजेक्शन और सीयर का निचला वाला प्रोजेक्शन का मिलाप टूट जाता है, जिससे ट्रिगर फ्री हो जाता है। इस दौरान ट्रिगर को प्रेस करने से सीयर नीचे की ओर नहीं आता है, जिससे सेफ में ट्रिगर प्रेस नहीं होता है। फायर सिलेक्टिव लीवर एस पर का क्यों नहीं? जब फायर सिलेक्टिव लीवर को एस पर करते हैं तो फायर सिलेक्टिव लीवर का गोल वाला भाग बोल्ट इंटरप्टर के नीचे आ जाता है, जिससे बोल्ट इंटरप्टर अपना नॉर्मल अलर्ट से ऊपर की ओर आता है। जब LMG को कॉल करते हैं तो बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन और बोल्ट इंटरप्टर का मिलाप हो जाता है, जिसके कारण बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन सीयर का मिलाप नहीं हो पाता है, जिसके कारण एस पर कॉल नहीं होता है। जब सेमी ऑटो पर ट्रिगर प्रेस क्यों और सेमी ऑटो पर कॉक क्यों? जब फायर सिलेक्टिव लीवर को पोजीशन सेमी ऑटो पर करते हैं, इस दौरान बोल्ट इंटरप्टर का कटा हुआ भाग बोल्ट इंटरप्टर के नीचे आ जाता है और बाएं वाला गोल वाला भाग डिस्कनेक्टर का निचला वाला प्रोजेक्शन के ऊपर दबाव डालता है, जिससे बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन और सियर का निचला वाला प्रोजेक्शन का मिलाप हो जाता है। जब LMG को कॉल करते हैं, बोल्ट कैरियर, बोल्ट इंटरप्टर अपना नॉर्मल अलर्ट से नीचे की ओर होने के कारण बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन को नहीं रोक पाता है, जिसके कारण बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन और सियर का मिलाप हो जाता है। इस दौरान सेमी ऑटो पर कॉक हो जाता है। सेमी ऑटो पर सिंगल शॉट फायर क्यों? जब फायर सिलेक्टिव लीवर को सेमी ऑटो पर करते हैं तो इस दौरान बोल्ट कैरियर का फायर सिलेक्टिव लीवर का बाएं वाला गोल वाला भाग डिस्कनेक्टर का निचले वाला प्रोजेक्शन के ऊपर दबाव डालता है, जिससे बोल्ट कैरियर अपना नॉर्मल अलर्ट से आगे और ऊपर की ओर उठा रहता है। इस दौरान बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन और सियर का मिलाप हो जाता है। जब फायर ट्रिगर को प्रेस करता है तो बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन और सियर का मिलाप टूट जाता है। जब बोल्ट कैरियर आगे की ओर हरकत करता है, बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन डिस्कनेक्टर के ऊपर दबाव डालता है, जिससे हॉल नुमा फिक्चर डिस्कनेक्टर ब्लॉकेज के साथ फंस जाता है। इस दौरान डिस्कनेक्टर के ऊपर दबाव डालने से डिस्कनेक्टर का निचला वाला प्रोजेक्शन और सियर का मिलाप टूट जाता है। ये हालत तब होता है जब बोल्ट कैरियर आगे की ओर जाता है, जब राउंड फायर हो जाता है तो गैस पैदा होता है, बोल्ट कैरियर पीछे की ओर आ जाता है।
तो बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन और सीओर का मिलाप हो जाता है। जब थायराइड ट्रिगर को रिलीज करता है तो डिस्कनेक्टर का निचला वाला प्रोजेक्शन और सीओर का मिलाप हो जाता है। दोबारा एलएमजी फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए इस प्रकार सबको दिया। जब फायर सिलेक्टिव लीवर को सेमी ऑटो से ऑटो पर करते हैं तो बाएं वाला गोल वाला भाग डिस्कनेक्टर का निचले वाला प्रोजेक्शन को और नीचे दबा देता है, जिसके कारण डिस्कनेक्टर अपना नॉर्मल हालत से आगे और नीचे की ओर दबा रहता है। देखिए इस प्रकार। इस दौरान बोल्ट कैरियर का निचले वाला प्रोजेक्शन और सीयर का निचले वाला प्रोजेक्शन का मिलाप हो जाता है। जब फायर ट्रिगर को दबाता है तो बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन और सीयर का मिलाप टूट जाता है। बोल्ट कैरियर स्प्रिंग की ताकत से आगे की ओर हरकत करता है और इस दौरान बोल्ट कैरियर अपना नॉर्मल हालत से नीचे की ओर होने के कारण सीयर बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन और सीयर का मिलाप नहीं टूट पाता है, जिसके कारण सीयर नीचे ही दबा रहता है। जिसके कारण जब राउंड फायर हो जाता है गैस पैदा होता है। गैस पिस्टन एक्सटेंशन को पीछे की ओर हरकत करता है। पिस्टन एक्सटेंशन पीछे की ओर हरकत के दौरान सीयर नीचे दबा होने के कारण ना ही बोल्ट कैरियर को पीछे पकड़ने के कोई नहीं मिलता, जिसके कारण एलएमजी ऑटो फायर करता है। देखिए इस प्रकार सब। यानी जब ये बोल्ट कैरियर से फायर सिलेक्टिव लीवर का सेमी ऑटो पर से ऑटो पर करते हैं तो ये बोल्ट कैरियर का बाएं वाला गोल वाला भाग डिस्कनेक्टर का लोअर प्रोजेक्शन को और नीचे दबा देता है, जिसके कारण डिस्कनेक्टर का आगे और नीचे दबा रहता है। जिसके कारण डिस्कनेक्टर का निचला वाला प्रोजेक्शन सीयर का निचला वाला प्रोजेक्शन का मिलाप हो जाता है। जब फायर ट्रिगर को प्रेस करता है डिस्कनेक्टर सीयर को और नीचे दबा देता है, जैसे इस तरह। जब बोल्ट कैरियर आगे की ओर हरकत करता है बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन डिस्कनेक्टर के ऊपर दबाव नहीं डाल पाता है, जिसके कारण सीयर अपना नॉर्मल हालत पर नहीं आ पाता है। सीयर का निचला वाला प्रोजेक्शन और डिस्कनेक्टर का निचला वाला प्रोजेक्शन का मिलाप नहीं टूट पाता है। जब बोल्ट कैरियर आगे की ओर हरकत करता है तो राउंड फायर होता है। राउंड फायर होने से गैस पैदा होता है। गैस बोल्ट कैरियर को पीछे की ओर हरकत करता है। बोल्ट कैरियर के पीछे की ओर हरकत के दौरान सीयर अपना नॉर्मल हालत से नीचे की ओर होने के कारण बोल्ट कैरियर का निचला वाला प्रोजेक्शन सीयर का मिलाप नहीं हो पाता है, जिसके कारण एलएमजी ऑटो फायर करता है।